झारखंड में चुनावी हलचल है और इसी चुनावी हलचल के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा को जबरदस्त झटका लग गया है। जी हां, ये जबरदस्त झटका हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन के प्रस्तावक ने ही अब बीजेपी का दामन थाम लिया है, बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। जी हां, देवघर में जो सीएम हेमंत सोरेन के प्रस्तावक हैं मंडल मुर्मू, उन्होंने हेमंता बिस्वा शर्मा जो सह प्रभारी हैं और प्रभारी शिवराज सिंह चौहान दोनों की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पहले चरण के चुनाव से एन पहले ये बड़ा सियासी घटनाक्रम झारखंड में हुआ है, देवघर में हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन के प्रस्तावक करीबी झारखंड मुक्ति मोर्चा के अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और इसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा पाती है और इसका कितना नुकसान झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ताधारी दल को होता है, ये तो खैर आने वाले चुनाव में पता चलेगा। लेकिन ये जो सियासी घटनाक्रम हुआ है वो कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन की जो नींद है वो उड़ाने वाला है। तो एक बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ है, देवघर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बबलू हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवघर से और जानकारी के साथ। बबलू, एक बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ है देवघर में, सीएम हेमंत सोरेन के प्रस्तावक ने ही अब भाजपा ज्वाइन कर लिया है, कितना नुकसान होता हुआ देख रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को? जी, मैं बता दूं कि कल देवघर में शिवधाम में जहां की सांसद का आवास है वहां पर कल एक बहुत बड़ी बैठक थी जहां पर जो है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा एवं शिवराज सिंह चौहान सहित रविंदर राय, बहुत से बीजेपी के जो पदाधिकारी थे वो थे। साथ ही मैं बता दूं कि संथाल परगना के करीबन 13-14 विधायक थे जो प्रत्याशी थे जो इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर खड़े हुए, उसी की बैठक थी। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया कि किस तरह चुनाव को जीता जा सकता है। यह कोई व्यक्ति को जिताना या प्रत्याशी को जिताना नहीं है, यह झारखंड को बचाने को लेकर यह जो है बैठक की गई थी। लेकिन इसके साथ ही एक नाटकीय ढंग से जो है हम बता दें कि मंडल मुर्मू जो अपने आप को सिंधु कानू के जो वंशज बताते हैं, वो छठे वंशज है सिंधु कानू के मंडल मुर्मू, कल वो यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान एवं हेमंत बिस्वा शर्मा रविंद्र राय के सामने वो आज बीजेपी का दामन थामा। और मैं बता दूं कि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो झारखंड में डेमोक्रेसी है उसे भी उसको लेकर वो ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं और वो कल यहाँ पर सभी के सामने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। अगर देखा जाए तो वो हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री है उनके प्रस्तावक रहे और कल वो जो है किस तरह से वो नाटकीय ढंग से वो भारतीय जनता पार्टी के दामन को थामा। जी चलिए, तो बीजेपी को एक मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बबलू देखिए, एक और चीज है, चुनावों के बीच दल बदलने का भी जो सिलसिला है वो जारी है। कई नेता जेएमएम में जा रहे हैं तो कई नेता जो हैं वो बीजेपी में आ रहे हैं। ये एक कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी टूटने जैसी है, सीएम हेमंत सोरेन का प्रस्तावक अगर विपक्षी पार्टी में चला जाता है तो ये एक बड़ा नुकसान है। बीजेपी को कितना फायदा होता हुआ आप देख रहे हैं? जी, मैं बता दूं कि पहले चरण के चुनाव से पहले ही जेएमएम को ये बड़ा झटका लगा है। जो हेमंत सोरेन के प्रस्तावक हैं मंडल मुर्मू जी, वो बीजेपी का दामन थामे हैं और इसके साथ ही उन्होंने जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो हैं वो बोले कि इनके आ जाने से पार्टी में जो है काफी मजबूती मिलेगी एवं इसके साथ ही जो है यहाँ जो है उनका हौसला काफी बुलंद देखा गया। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कह सकते हैं कि अब और थोड़ी सी मजबूती आएगी और देखना होगा कि आने वाले चुनावों में इसका कितना व्यापक प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर पड़ता है और नुकसान अगर होता है तो यह नुकसान कितना बड़ा हो सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद बबलू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ है देवघर में, सीएम हेमंत सोरेन के प्रस्तावक को भाजपा ने अब अपने कुनबे में शामिल करा लिया है और देखना होगा दोनों ही पार्टियों को इसका कितना नफा और नुकसान होता है।
मनाया था, जिसमें मैं इच्छा से स्वीकार किया था। स्वीकार करने के बाद जहां शहीद परिवार होने के नाते या उनका प्रार्थक बनने के बाद जिस तरह सा जो हक है मेरा सम्मान मिलने का, उन चीज़ों नहीं मिला, जिसके कारण मैं भारतीय जनता पार्टी में मैं ज्वाइन किया हूँ, सदस्यता मैं ग्रहण किया हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित के लिए सोचती है, सभी को लोग चलते हैं, ये जनहित के लिए समाज हित के लिए सोचते हैं, इसी को चिंतन मंथन करके मैं इस पार्टी में सदस्यता ग्रहण किया। वैसा कोई बात नहीं है, जैसे नॉर्मली मैंने कराची जा रहा था, ऐसा कोई गिरफ्तारी जिस तरह दिखाया जा रहा है वैसा नहीं, पूछताछ कर रहा था, नॉर्मल इस तरह ही बातें हैं। तो अनावश्यक रूप से परेशानी जैसे पूछताछ जो नॉर्मली होते हैं उस तरह किया था, जो कि मैं किसी तरह कोई गुनाहगारी तो नहीं है, जिस तरह हमको वहाँ पे पुलिस को हमको वहाँ पे किया, चेकिंग किया, पूछताछ किया, मैं तो ऐसे सिंपल जा रहा था, ऐसे कोई बातें नहीं गिरफ्तारी की, लेकिन पता नहीं किस कारण से हमको इस तरह का पुलिस ने हमको वहाँ पे रोका, फिर पूछताछ के लिए मेरे को तो नहीं मालूम। आपका नाम? शहीद सिद्धो कानू की छठा मनाया था, जिसमें मैं इच्छा से स्वीकार किया था। स्वीकार करने के बाद जहाँ शहीद परिवार होने के नाते, मैं एसके मंडल अध्यक्ष, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।